शिहाब चतुर। जी हाँ व्यूअर्स, आज ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज पूरे 65 दिन हो गए हैं शिहाब चतुर अभी नटवाड़ा पहुंच चुके। जी हाँ व्यूअर्स, शिहाब चतुर राजस्थान पहुंच चुके हैं। अगर व्यूअर्स नटवाड़ा से वाघा बॉर्डर को डिस्टेंस में मापा जाए तो 1021 किलोमीटर 1021 किलोमीटर अभी भी दूर है वाघा बॉर्डर से शिहाब चतुर। शिहाब चतुर को वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए अभी 1021 किलोमीटर का सफर और तय करना है। 1021 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 किलोमीटर पर डे। 1021 किलोमीटर को तय करने के लिए अभी हर दिन 25 किलोमीटर के हिसाब से शिहाब चतुर चलेंगे। और जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बताते हैं शिहाब चतुर केरला से मक्का शरीफ के लिए पैदल ही निकल गए हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ 4 वर्ड का हमारा चैनल है NNTV विदाउट स्पेस। NNTV हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और Facebook के इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे 1021 किलोमीटर। 1021 किलोमीटर को अगर डिवाइड किया जाए 25 किलोमीटर से तो तकरीबन 40 दिन और लगेंगे अभी शिहाब को वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए। जो खबरें आ रही है कि 10 से 12 दिन में शिहाब पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अगर 1021 किलोमीटर के डिस्टेंस को मापे तो वो खबरों का गलत होना लाजमी है। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, क्या ये मुश्किल टास्क शिहाब सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे, कामयाबी से पूरा कर पाएंगे? क्या केरला से मक्का शरीफ की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, जो सफ़र उन्होंने शुरू किया है, क्या उसमें वो कामयाब होते हुए नज़र आएंगे? आप देख सकते हैं राजस्थान की पुलिस और प्रशासन का और वहाँ के लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ वीडियो में साफ नज़र आ रहा है शिहाब को। शिहाब भाई निकल पड़े हैं केरला से मक्का शरीफ की पैदल यात्रा के लिए, पैदल सफ़र के लिए, और अगले साल का 2023 का हज वो करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से बाय फ्लाइट इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये जो मुश्किल सफ़र शुरू किया है, अगर उसकी वजह हम जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है, उन्होंने क्या फुटेज पाने के लिए, क्या सोशल मीडिया पर हाईलाइट पाने के लिए सफ़र शुरू किया है, तो ये सरासर गलत है। ये एक मुश्किल सफ़र है, उन्होंने अपनी जान का रिस्क लिया है, तो ये फुटेज के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तान से एक पैगाम लेकर जा रहे हैं, वो अमन व अमान का, शांति का एक पैगाम लेकर जा रहे हैं शिहाब भाई। अब वो पैगाम जाएगा इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से एक शांति का पैगाम लेकर निकलेंगे वो ईरान के लिए। इंडिया का पैगाम पाकिस्तान होते हुए पहुंचेगा ईरान, ईरान से उनका शांति का पैगाम पहुंचेगा इराक, इराक से पहुंचेंगे कुवैत और कुवैत से पहुंचेंगे सऊदी अरबिया। तो ये सफ़र उन्होंने एक शांति के पैगाम के लिए निकाला है, क्योंकि आज का माहौल आप देख रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश, जो कि एक नाकाम कोशिश भी कहा जा सकता है, वो लगातार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही है। इसी कोशिश को दूर करने के लिए शिहाब चतुर ने हिंदुस्तान से एक सफ़र हज की शुरुआत की है पैदल, और राजस्थान में फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, या किसी और पार्टी का शासित राज्य हो, हर धर्म के, हर पार्टी के लोग शिहाब की मदद कर रहे हैं, उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए शिहाब के साथ कंधे से कंधा जुड़ाकर लगे हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NNTV हमारा YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook के इस पेज को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि ये खूबसूरत पैगाम, ये खूबसूरत मैसेज पूरी दुनिया में वायरल हो जाए और बने रहें NNTV के साथ। और NNTV पर हमारा एक ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लें।